नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी लड़कियां किन पांच बातों में लड़कों से बेहतर होती है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप्स दूंगा जो आपके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ही काम आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, लड़कियां मल्टीटास्किंग में लड़कों से बेहतर होती है। जी हाँ दोस्तों, लड़कियां एक साथ तीन चार काम बड़ी आसानी से कर सकती है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारी मॉम, जो एक तरफ खाना पका रही होती है तो दूसरी तरफ रोटी बना रही होती है, जो एक तरफ दूध गर्म कर रही होती है तो दूसरी तरफ पानी भर रही होती है, और उसका ध्यान सभी जगह रहता है। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लड़कियां मल्टीटास्किंग में लड़कों से काफ़ी बेहतर होती है। नंबर दो, लड़कियां चेहरा याद रखने में लड़कों से बेहतर होती है। वो अगर किसी से एक बार भी मिल ले तो उसका चेहरा सालों साल तक याद रख सकती है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि जब वो किसी से पहली बार मिलती है या पहली बार बात करती है तो उसका पूरा फोकस सामने वाले की आंखों पर, सामने वाले के नाक पर और उसके मुंह पर रहता है, जिसकी वजह से वो उसका चेहरा लाइफ टाइम याद रख सकती है। तीसरे नंबर पर है, लड़कियाँ कम्युनिकेशन में लड़कों से बेहतर होती है, क्योंकि लड़कियाँ अपने दिमाग में बड़ी तेज़ी से सेंटेंस बना पाती हैं, जिसके चलते वो बड़ी तेज़ी से बोल भी पाती हैं। और इसीलिए दोस्तों, तीन चार लड़कियाँ या फिर तीन चार औरतें इकट्ठी होती हैं तो उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। चौथे नंबर पर है, लड़कियाँ अपने इमोशन को दिखाने में लड़कों से बेहतर होती है। और दोस्तों, इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं लगती है, आप सबको पता ही होगा कि लड़कियाँ कितनी इमोशनल होती हैं। अब पांचवी और आखिरी बात ये है जिसमें लड़कियां लड़कों से बेहतर होती है, वो है लड़कियों की इम्यून सिस्टम, मतलब कि बीमारियों के सामने लड़ने की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों की इम्यून सिस्टम लड़कों से काफ़ी स्ट्रांग होती है, और उसी की वजह से लड़कियां कितना भी बाहर का खाना खाए या गोलगप्पे खाए बहुत ही कम बीमार होती है, और अगर बीमार होती भी है तो बहुत ही जल्दी सही हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पाँच साइकोलॉजिकल बातें जिनमें लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं। और दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लड़कों के बारे में बात करेंगे कि लड़के किन किन मामलों में लड़कियों से आगे हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोनस के बारे में बात की थी, तो वो बोनस आपके लिए ये है कि कभी भी किसी लड़की या औरत को, चाहे वो अपनी बीवी हो, अपनी गर्लफ्रेंड हो, अपनी बहन हो या फिर अपनी माँ हो, अगर उनकी फीलिंग को ठेस नहीं पहुँचाना है, उनकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना है, तो कभी भी उनको किसी और औरत या किसी और लड़की से कंपेयर नहीं करना। तो दोस्तों, ये बात उनकी फीलिंग को काफ़ी ठेस पहुंचाती है, तो कभी भी किसी औरत या लड़की से उनकी कंपैरिजन मत करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही साइकोलॉजी और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।